अगली बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम से शस्त्र लाइसेंस की करीब 9000 फाइलें गायब हैं और इसका खुलासा एसआईटी जांच में हुआ है। सूत्रों की माने तो करीब एक साल से चल रही एसआईटी जांच में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी मई में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। दरअसल कलेक्ट्रेट के असलाह विभाग में लगातार गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थी और इस पर पूर्व जिलाधिकारी कानपुर महानगर आलोक तिवारी ने पिछले साल मार्च महीने में एसआईटी जांच की संस्तुति कर दी थी। 9000 फाइलें गायब, आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं रतीश त्रिवेदी से। हमारे कानपुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है रतीश, प्राइमा फेसी और ज्यादा जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा पिछले साल मार्च में सामने आया था जब 93 फर्जी शस्त्र लाइसेंसों को जारी कर दिया गया था। इसके बाद एक माँ और बेटे की जो लाइसेंस की बुकलेट है वो भी सामने आई थी और इसके बाद इसका भंडाफोड़ हुआ था। आलोक तिवारी तत्कालीन कानपुर नगर के जिलाधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले अपने स्तर पर इसकी जाँच कराई और जो जाँच कराई उसके बाद ये निकल के आया कि 40,000 असलाहधारी जो लाइसेंसधारी हैं कानपुर शहर में, उनमें से 4,000 फाइलें गायब उनको भी मिली। उसके बाद एसआईटी के गठन की बात की गई, एसआईटी को जांच दी गई और एसआईटी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक साल एसआईटी को जांच करते हुए हो रहा है। एसपी देवरंजन वर्मा इसके के नेतृत्व में जांच की जा रही है और एसआईटी की अब जांच लगभग पूरी हो रही है। मई के पहले हफ्ते में या मध्य में इस रिपोर्ट को शासन को सौंपा जाएगा। जो तथ्य चौंकाने वाले हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, सबसे पहले तो उस पर बात की ली जाए। करीब 9000 फाइलें ऐसी बताई जा रही हैं जो गायब हैं। 9000 फाइलों में वो फाइल भी गायब है जो विकास दुबे, यानी विकास दुबे के नाम की थी, बिकरू कांड के मुख्य जो किंग पिन था उसकी नाम की फाइल भी गायब थी। यानी असलहों को रिन्यू करा जाता रहा और तमाम अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से। इसके अलावा तमाम ऐसी फाइलें जो बेहद ज़रूरी थी वो फाइलें भी गायब मिली हैं। एसआईटी के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनके मुताबिक यानी 9000 फाइलें गायब हैं। 173 फाइलें ऐसी हैं कानपुर देहात की जिनमें जो पूर्व मंत्री कमल रानी वरुण रही हैं उनकी भी फाइल गायब मिली। यानी कई ऐसे अहम लोग जिनकी फाइलें गायब कर दी गई, रिकॉर्ड रूम से गायब कर दी गई और एसआईटी ने अब अपनी जाँच पूरी कर ली है। कुछ दिन में एसआईटी शासन को अपनी रिपोर्ट देगी और करीब 1.5 दर्जन ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत इसमें पाई गई है। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।